ये वीडियो पिछले व्लॉग का कंटिन्यूएशन है। पिछला व्लॉग था मुंबई से अलीबाग तक का रोरो फेरी का सफ़र। ये व्लॉग मांडवा पहुंचने के बाद मैं कौन से होटल में चेक इन करता हूँ और कौन से बीचेस एक्सप्लोर करता हूँ दूसरे दिन, वो सारी डिटेल्स है। 14 अगस्त 2022 को मैंने ये सारा, मेरा जो मोटरसाइकिल एक्सप्लोर करना था मोटरसाइकिल लेकर अलीबाग में, वो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इंडियन ब्लॉगर विकास, योर होस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलीबाग पहुँचने के बाद मैंने कौन से बीचेस एक्सप्लोर किए और कौन से होटल में चेक इन किया, क्या कॉस्ट था उसका। अगर आप अलीबाग जा रहे हो रोरो फेरी से तो आप मांडवा उतरोगे। तो मांडवा उतरने के बाद अगर आपके पास वक्त कम है, एक या दो ही दिन है, और आप नियर बाय बीचेस एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके काम का है। और अगर आपके पास बहुत वक्त है तो आप पूरा अलीबाग एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मेरे पास बहुत कम वक्त था, मैं शाम को पहुंचा तो दूसरा ही दिन था मेरे पास, क्योंकि उसके बाद वाले दिन मतलब मुझे वापस मुंबई निकलना था, सुबह की फेरी थी। तो देखते रहिए ये वीडियो, इस वीडियो में आपको पूरी छोटी से छोटी जानकारी मिलेगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम इन अलीबाग। मैं वो रोरो फेरी से आया हूँ अलीबाग, और अलीबाग में आके मैं बोहेम ब्लू स्टेक में आया हूँ। यहाँ पे टेंट जैसे घर है, आप देखिए। मैं अपना रूम टूर पूरा दूंगा आपको। 5,500 पर नाइट के लिए मैंने बुक किया है, टू नाइट्स के लिए। टोटल है 11,000 इज द कॉस्ट। पूल बिल्कुल क्लीन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो पूल बिल्कुल क्लीन नहीं है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज इंडियन ब्लॉगर विकास एंड शी इज माय वाइफ। हम दोनों आज आए हैं अलीबाग, और अलीबाग हम आए हैं फेरी से। उसका वीडियो अलग से बताएंगे, आपको बताएंगे कैसे आए, कॉस्ट क्या था। लेकिन अभी हम जहाँ पे स्टे करने आए वो जगह दिखाते हैं। इस जगह का नाम है बोहेम ब्लू स्टे। आपको रूम दिखाते हैं, चलो। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो पूल था, अभी रूम दिखाते हैं। यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, वो अपना रूम जिसको मैंने बुक किया है 5,500 पे। अपना सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, हेलमेट्स, टाइम बैग। चलो रूम के अंदर जाते हैं। थोड़ा सा एंटीक स्टाइल है। चलो पे टीवी है, बेड है, कबर्ड है, एसी है, काफी कूलर भी है, एक अच्छा सा मिरर है, वॉशरूम भी है। तो वॉशरूम दिखाते हैं, अच्छा मिरर है यहाँ पे, शावर है। तो अभी हम शावर लेके जाएंगे, स्विमिंग करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद कुछ खाना वाना खाएंगे, दिखाएंगे आपको ब्लॉग। चलो देखते रहिए। अब मैं इस जिस होटल में मैंने स्टे किया उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। वो होटल ठीक ठाक मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा एंटिक स्टाइल था, मतलब
एक टेंट का फील था, मुझे तो अच्छा लगा उसका स्टे। लेकिन मुझे आदत है स्विमिंग करने की, तो मुझे पूल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक था। मतलब बहुत ब्लू पानी नहीं था उसका, मतलब जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते वैसा नहीं था। थोड़ा सा उसको शायद फिल्टर नहीं काम कर रहा था या जो भी है, मैंने बोलने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत क्लीन किया। लेकिन मैंने स्विमिंग की उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर वाटर नहीं की मैंने, तो मुझे वो एक डिसएडवांटेज लगा। और दूसरी चीज़, वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिंपल, मतलब पिज़्ज़ा विज़्ज़ा जो यूरोपियन स्टाइल का खाना है वो सब वहाँ पे था। उसके अलावा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना खाता था वहाँ पे, और मैं बीचेस देख रहा था, घूम रहा था, तो मैं आजू बाजू के लोकल रेस्टोरेंट्स में ही खाना खा रहा था। पंढरी आडनाव पंढरी अच्छा, आणि इथलेच राहणार 4 किलोमीटर। कुठली भाषा बोलता तुम्ही घरी? कोळी भाषा। कोळी भाषा। गाव कुठलं? खेरोना। खेरोना 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 म्हणजे अलिबागमध्येच? नाही, इथेच नागाव बीच जवळच। चला काका, ऐसा लगता है घूम के मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है, कह रही है मज़ा आ रहा है। ये नागाव बीच है, इधर मैं बहुत साल पहले 2014 में आया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम लोग हैं नागाव बीच पर। ये है नागाव बीच, तो अच्छा बीच है यहाँ का। मुझे अब तक जितने भी बीचेस थे मैंने, कीम देखा,
वर्सोली बीच देखा, आवाज़ बीच देखा, आवाज़ बीच भी अच्छा है लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, शांत है कंपैरेटिवली। पब्लिक है लेकिन हाई टाइड नहीं है अभी, इसीलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो अभी मैं निकल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। हम यहाँ थे बोहेम ब्लू स्टे में, ये देखिए पार्किंग में खड़े हैं और कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, देखिए मेरी वाइफ। गुड मॉर्निंग, अभी हम जा रहे हैं मुंबई के लिए। आज 15 अगस्त है, आज सबको, आज के दिन सबको आज़ादी मुबारक, हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए देखिए, देखते रहिए आगे। और उस होटल को मतलब मैं ऐसे जज नहीं करूँगा, लेकिन उसका जो प्राइस था 5,500 रुपीज़ पर नाइट, जो मुझे थोड़ा सा हायर एंड पे लगता है। एक क्वाइट था, सेक्लूडेड टाइप प्लेस था, और एक उसका डिसएडवांटेज था, लास्ट में कहूँगा कि उसका जो रोड है, जो मेन रोड पे कनेक्ट होता है, वो बहुत ही मतलब ख़राब था। इस वीडियो में मैंने दिखाया है, अलीबाग के रोड्स बेसिकली अच्छे हैं, लेकिन ये होटल जो मेन रोड से जिसको कनेक्ट होता है, वो रोड मतलब लिटरली वो रोड ही नहीं था, वो मड में हम बाइक चला रहे, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, जिसको ऑफ रोडिंग अच्छा लगता है उसके लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला लेता हूँ ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आपको ये होटल बुक करते वक्त सोचना चाहिए। उसके अलावा इस होटल का जो प्राइस मैंने अभी बताया थोड़ा सा ज़्यादा था, मेरे हिसाब से 3,000 रुपीज़ इज़ वर्थ वो फॉर देयर सर्विस। फूड भी मैंने बोला आपको अच्छा नहीं था, तो ओवरऑल मैं इस होटल को रेट करूँगा 2.5 फ्रॉम 5 स्टार्स। ये होटल दिखाना जरा, फोटो वाला। मैंने इस वीडियो में दिखाई है जो है अलीबाग के रोड्स, जो मुझे काफ़ी हद तक ठीक ठाक लगे। एक आध कोई पैच होगा जो टूटा फूटा होगा, लेकिन ज़्यादातर रोड्स अच्छे ही है। ओवरऑल मुझे अलीबाग के रोड्स अच्छे लगे।